नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अति महत्वपूर्ण नोट्स श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 से आज का पाठ है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद। आइए कवि परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 वाराणसी में हुआ था। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्यकृति मानी जाती है कामायनी, जिस पर जो है जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है। आपकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो काव्यकृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इसके साथ ही आप जो हैं कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी आपके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती आपके उपन्यास हैं, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल आपके कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद के संपादन में कौन सी पत्रिका के अंतर्गत आत्मकथा विशेषांक निकले थे, तो हंस पत्रिका के अंतर्गत। आत्मकथ्य कविता हंस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई, 1932 में। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है, बोली। कविता में थका पथिक कौन है, स्वयं कवि। थके पथिक अर्थात कवि के लिए पाथे कौन बनी, पाथे मतलब संबल, तो स्मृतियां। हिंदी की पहली आत्मकथा जो है अर्धकथानक थी, जिसके लेखक है बनारसीदास जैन। ये अर्धकथानक जो है पद्यात्मक है और इसका रचनाकाल 1641 है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय से ली गई हैं। पाठ में आए प्रमुख शब्दार्थ हैं मधुप यानी मन रूपी भौंरा, प्रवंचना, धोखा, अरुण कोपल यानी लाल गाल, पंथा यानी रास्ता या राह, कंथा अर्थात अंतर्मन या गुदड़ी।